जानो कभी स्वर्ग जानो, प्यार के संगीत में मोहिनी सुहागनी। और अगर आपको इसके साथ किसी का कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो उस पर होंगी। या आपको ड्रैग रेस चाहिए, कुछ भी जो भी आपको चाहिए कमेंट ज़रूर करें, कमेंट्स में बता दीजिए हमको क्या चाहिए। अगला वीडियो आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड मिलेगा, सो कमेंट ज़रूर करना। ओवरऑल लुक भी चेक कर सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया है। सो ये फैमिली फ्रेंडली है, सब फैमिली मेम्बर भी आराम से यूज़ कर सकते हैं, सो आप ज़रूर परचेस कर सकते हो आप ये। इसका कुछ ड्रॉबैक भी है जो मैं आपको बताता हूँ अभी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो भाई आज अपन करने वाले टी वी एस आई क्यूब रिव्यू। सो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए मेरे चैनल पे कोई वीडियोस आने में बहुत टाइम हो गया। पर चलो आज देखते हैं टी वी एस आई क्यूब रिव्यू। और ये स्कूटी लेकर मेरे को तकरीबन 2 मंथ्स हो चुके हैं, और 2 मंथ्स का टाइम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं पहले खुद एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बेनिफिट्स है। पर इसके प्रॉब्लम्स तो कुछ दिखे नहीं मेरे को, तो चलो आपको इसके बेनिफिट्स ही बताता हूँ, बने रहे व्लॉग में। सो ये अपनी है टी वी एस आई क्यूब। सो इसका ओवरऑल जो बॉडी है भाई फाइबर की है, और बहुत ही लाइट वेट गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फैमिली मेम्बर्स आराम से यूज़ कर सकते हैं सभी। ये फ्रंट लाइट्स है वो LED में आते हैं, सो काफ़ी अच्छी रेंज कवर कर लेते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगी व्यू में आगे के। और जो इसके सामने के फ्रंट ब्रेक्स है ये भी डिस्क ब्रेक है भाई, और इसका सामने का जो मैकव्हील है, सो गाइस जो इसके मैकव्हील है डायमंड कट अलॉय है। और बाकी आप लुक चेक ही कर सकते हो जैसा कि, और ओवरऑल बॉडी के हिसाब से देखें तो अपन लुक भी बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिक जैसा लुक है ही नहीं इसका। सो गाइस इसका जो मीटर है कुछ डिजिटल क्लस्टर मीटर है, तो ये अपने को कुछ कुछ सुपर बाइक वाली फील देता है। बाकी जोक्स अपार्ट इसके अंदर के फीचर जो है आपको अभी बताता हूँ मैं। सो गाइज हम बात करते हैं इसके मीटर की। सो इसका मीटर है डिजिटल क्लस्टर। सो जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की, सो सबसे पहले आते हैं इसकी बैटरी पर। सो हमारी गाड़ी जो है वो मिड रेंज की है, सो इसमें जो बैटरी आती है वो है 3.4 किलोवाट्स की, जिसको चार्ज होने में पूरे पूरे 2.5 आवर्स लग जाते हैं, यानी कि 2.5 घंटा। और इसके अंदर आते हैं भाई 3 वेरियंट्स। फर्स्ट आता है 2.2 किलोवाट्स, सेकेंड वाला जो आता है 3.4, और जो थर्ड वाला आता है जो एक्सपेंसिव है वो है 5.1 किलोवाट्स का। तो बाकी आपको इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं। इसके अंदर आते हैं 2 मोड्स। पहला मोड आता है इसके अंदर इको। इको में आपको जो स्पीड मिलती है मैक्सिमम 44 to 45, और जो इसकी रेंज है आपको मिलती है 75 किलोमीटर्स की। और दूसरा जो मोड है इसके अंदर है पावर। यहाँ से बस एक बटन स्विच करने से ये आ जाता है पावर मोड पे। पावर में आपको जो स्पीड मिलती है 80 किलोमीटर्स की मिलती है, और जो रेंज है वो आपको 60 किलोमीटर्स की मिलती है। सो पावर में आपको रेंज कम हो जाती है। और बाकी इसकी बात करूँ फीचर्स की, सो इसके अंदर है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, GPS ट्रैकर, आपकी गाड़ी कहाँ पर है वो भी आपको बताता है, ओनर का मोबाइल यहाँ कनेक्ट होता है। सो यहाँ पर आपको कॉलिंग भी मिलती है, मैसेज भी नोटिफिकेशन मिल जाती है यहाँ पर। और बाकी इधर है अपना पार्किंग लाइट्स, और यहाँ से आप रिवर्स लगा सकते हो, और ये है मोड बटन। और इधर नॉर्मल जैसे गाड़ियों का होता है अपना अपर डिपर, इंडिकेटर, हॉर्न। और मोड्स का भाई इसके अंदर बहुत इजी है, बस एक क्लिक पर जो है अपना इको से पावर, पावर से इको। बाकी आपको बताते हैं इसके दूसरे फीचर्स, आपको बता रहा था इसके पार्किंग लाइट्स की। तो ये जो पार्किंग लाइट्स है इसका बटन दबाने के बाद कुछ ऐसा भी है भाई लुक इसका सामने से, और आपको पीछे से भी बताता हूँ मैं। ये पीछे से कुछ हैजार्ड लाइट्स। तो गाइस बात करूँ इसके एक्सेसरीज की, सो इसके साथ आती है अपने को ये स्टील बॉडी फ्रेम, जिससे अपनी गाड़ी प्रोटेक्ट हो जाती है, और इससे गाड़ी का लुक भी थोड़ा सा अच्छा दिखता है। और इसके साथ में मिलता है एक हेलमेट। तो अभी बात की हमने इसके एक्सेसरीज की, सो अभी देखते हैं इसका बूट स्पेस जो आपको मैंने बताया। सो इसमें आपको आराम से 32 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जिसमें आपका एक हेलमेट तो कम्फर्टेबली बैठ सकता है, और एक सफिशिएंट स्टोरेज है भाई, एकदम इलेक्ट्रिक स्कूटी के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया स्टोरेज है। तो आप देख सकते हो आराम से अपना हेलमेट इसके अंदर बैठ सकता है, और बाकी जो घर का सामान भी है वो भी आराम से बैठ सकता है, बहुत ही बढ़िया स्टोरेज है। सो एक बात आपने और नोटिस की होंगी, इसके साथ आपको कंपनी से फर्स्ट एड किट भी मिलता है, और कुछ टूल्स भी मिलते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सो जैसा कि अपन ने सब इसके बेनिफिट्स की बात कर ली है भाई, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 मंथ्स के, तो आपको इसका कुछ ड्रॉबैक भी है जो मैं आपको बताता हूँ अभी। मेन जो इसका ड्रॉबैक है भाई वो है इसकी बॉडी। ये बॉडी आती है आपको फाइबर में,
जो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये बॉडी मेटल में आना चाहिए, सो मेरे को पहला ड्रॉबैक ये लगा। और दूसरा जो ड्रॉबैक है भाई इसका, वो है इसकी पंक्चर। अगर गाड़ी पंक्चर हो गई भाई तो कोई नहीं खोलेगा गाड़ी, बहुत कम मैकेनिक्स खोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आती है आपको हब मोटर, सो आपको पूरा इधर से भी खोलना पड़ता है, वो साइड से भी खोलना पड़ता है। सो मेरे लिए तो बस ये दो ही ड्रॉबैक्स है, बाकी ओवरऑल गाड़ी तो बहुत ही बढ़िया, परफॉर्मेंस में भी एक नंबर है आपको। सो गाइस चेक कर लिया अपन ने इसकी टॉप स्पीड, इको मोड में ये लास्ट 47 गई और जो पावर मोड है उसमें 81 गई। सो आपने ब्रेकिंग के मामले में भी देख लिया, एकदम बेस्ट ब्रेकिंग है भाई, 5 to 7 सेकंड में गाड़ी एकदम 80 to 20-30 पर आ जाती है, एकदम ही बेस्ट ब्रेकिंग है। और ओवरऑल लुक भी चेक कर सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया है। सो ये फैमिली फ्रेंडली है, सब फैमिली मेम्बर भी आराम से यूज़ कर सकते हैं, सो आप ज़रूर परचेस कर सकते हो आप ये। इसमें बहुत ही कम निगेटिव पॉइंट्स है, बाकी सब बेनिफिट्स है आपको, सब पॉजिटिव पॉइंट्स ही है। सो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको इसके साथ किसी का कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो उस पर होंगी। या आपको ड्रैग रेस चाहिए, कुछ भी जो भी आपको चाहिए कमेंट ज़रूर करें, कमेंट्स में बता दीजिए हमको क्या चाहिए। अगले वीडियो आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड मिलेगा, सो कमेंट ज़रूर करना और वीडियो कैसी लगी ये भी बताते जाना। सो सी यू सून, बाय।